हे गाइस, माय नेम इज मिहिर एंड वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर वीर ज़ारा मूवी का दो पल सॉन्ग है, उसके गिटार के कॉर्ड सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सॉन्ग के अंदर हम जो कॉर्ड यूज करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला कॉर्ड है सी मेजर कॉर्ड, नेक्स्ट वन इज डी मेजर कॉर्ड, थर्ड वन इज जी मेजर कॉर्ड, फोर्थ वन इज ई माइनर कॉर्ड, लास्ट वन इज बी माइनर कॉर्ड। अगर आपको सभी कॉर्ड्स आते हैं तो डिस्प्ले में दिखाई के टाइम पे जाके डायरेक्ट स्ट्रमिंग पैटर्न सीख सकते हो, और अगर आपको ये कॉर्ड्स नहीं आते तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये कॉर्ड सिखा देता हूँ। तो ये सॉन्ग का जो सबसे पहला कॉर्ड है वो है सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर को आप डायग्राम में देख सकते हो, इसके अंदर आपको फर्स्ट फिंगर को प्लेस करना है सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट टैप पर। आपकी सेकेंड फिंगर है वो आएगी फोर्थ स्ट्रिंग के अंदर सेकेंड टैप पर, और थर्ड फिंगर उसको प्लेस करना है आपको फिफ्थ स्ट्रिंग के अंदर थर्ड टैप पर। इसके बाद आपको सिक्स नंबर की स्ट्रिंग के अलावा सभी स्ट्रिंग प्ले करनी है। ये हमारा सी मेजर कॉर्ड है। नेक्स्ट कॉर्ड इज डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर कॉर्ड के अंदर को फर्स्ट फिंगर को प्लेस करना है थर्ड स्ट्रिंग के अंदर सेकंड टैप पर। आपकी सेकंड फिंगर है उसको प्लेस करना है आपको फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर सेकंड टैप पर, और थर्ड फिंगर है उसको सेकंड स्ट्रिंग के अंदर थर्ड टैप पर रखना है। इसमें भी आपको सिक्स नंबर की स्ट्रिंग के अलावा सभी स्ट्रिंग बजानी है। ये हमारा डी मेजर कॉर्ड है। नेक्स्ट कॉर्ड इज जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड के अंदर को थर्ड फिंगर को प्लेस करना है फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर थर्ड टैप पर। आपकी सेकंड फिंगर उसको प्लेस करना है आपको सिक्स स्ट्रिंग के अंदर थर्ड टैप पर, और फर्स्ट फिंगर है वो आएगी आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग के अंदर सेकंड टैप पर। उसके बाद आपको सभी स्ट्रिंग प्ले करनी है। ये हमारा जी मेजर कॉर्ड है। नेक्स्ट कॉर्ड ई माइनर कॉर्ड है। ई माइनर कॉर्ड बहुत ईजी है। इसके अंदर आपको सिंपली फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर की स्ट्रिंग के अंदर सेकंड नंबर के टैप के अंदर फर्स्ट सेकंड फिंगर का से प्लेस करना है। आप सेकंड थर्ड फिंगर भी ले सकते हो और फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हो, दोनों भी सही साउंड आएगा। तो ये सभी स्ट्रिंग उसके बाद आपको प्ले करनी है। ये हमारा ई माइनर कॉर्ड है। ये सॉन्ग का जो लास्ट कॉर्ड है वो है बी माइनर कॉर्ड। बी माइनर कॉर्ड एक बार कॉर्ड है। इसके अंदर आपको सेकंड नंबर की फ्रेट के अंदर बार क्लोज करना है फर्स्ट फिंगर से। उसके बाद आपकी सेकंड फिंगर है उसको आपको प्लेस करना है सेकंड स्ट्रिंग के अंदर थर्ड टैप पर। आपकी सेकंड फिंगर है थर्ड फिंगर है वो आएगी फोर्थ स्ट्रिंग के अंदर फोर्थ टैप पर, और जो फोर्थ फिंगर है वो आएगी थर्ड स्ट्रिंग के अंदर फोर्थ टैप पर। इसके अंदर भी आपको सिक्स नंबर की स्ट्रिंग के अलावा सभी स्ट्रिंग प्ले करनी है। ये हमारा बी माइनर बार कॉर्ड है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर आगे बढ़ो। सिर्फ अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही हिट सॉन्ग के हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये सॉन्ग के अंदर हम जो स्ट्रमिंग पैटर्न यूज करने वाले हैं वो है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आप डिस्प्ले देख सकते हो। तो सबसे पहले दो बार डाउन डाउन स्ट्रमिंग करना है, डाउन डाउन, धन एक छोटा सा पॉज लेना है, उसके बाद अप डाउन आएगा, फिर से एक पॉज लेने के बाद अप डाउन अप वो बजाना है। तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये सॉन्ग में हमें जरूरत पड़ेगी कैपो की। कैपो आपको फर्स्ट नंबर के फ्रेट पर लगाना है। फर्स्ट नंबर पे कैपो लगाने के बाद हमारा सी मेजर हो जाएगा यहाँ पर, डी मेजर, जी मेजर, ई माइनर एंड बी माइनर। आप अपने स्केल के हिसाब से कैपो को सेट करके लगा सकते हो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपका स्केल है उस हिसाब से। इसको रिमूव करके भी आप ये सॉन्ग प्ले कर पाओगे सेम स्ट्रमिंग पैटर्न एंड सेम कॉर्ड्स के साथ। ये सॉन्ग के अंदर एक एडिशनल चीज वो है कि आपको एक स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर दो कॉर्ड्स प्ले करने हैं। तो वो कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। तो इसके अंदर हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न नीचे दिख रही है आपको, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो इसके अंदर दो पार्ट आपको करने हैं। सबसे पहला है डाउन डाउन, उसको अलग करना है जो फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप वो वाला पोर्शन दूसरा है। तो जैसे कि सी और डी वो दो कॉर्ड्स कैसे बजेंगे, तो पहला जो डाउन डाउन है उसके अंदर सी बजेगा, एंड देन उसके बाद का सेकंड पार्ट है उसके अंदर डी बजेगा। तो ये डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे आपको बजाना है। वैसे ही ई माइनर एंड बी माइनर का करना है आपको। वैसे ही ई माइनर एंड ए माइनर का आएगा। आएगा
सो हियर वी आर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो गिटार या यूकुलेले के बारे में या इस सॉन्ग के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हैशटैग इजी नोट करके लिख सकते हो। एंड प्लीज़ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, जैसा प्यार आप यहाँ पे दे रहे हो वैसा इंस्टाग्राम पे फॉलो करके दोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।